उत्तराखंड में मनाए जाने वाले इगास पर्व पर पहाड़ों की रानी मसूरी में नगर प्रशासन की ओर से मॉल रोड पर उत्तराखंडी खाने के स्टॉल लगाए गए, जहां पर पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों ने पहाड़ी लजीज व्यंजनों का जमकर आनंद लिया और पहाड़ी खाने की सराहना की। इस मौके पर स्टॉल लगाने वाले काफल होमस्टे के देवचंद कुमाई व द कोठार के संचालक गौरव सेमवाल ने बताया कि इगास पर्व पर उन्होंने पहाड़ी खाने का स्टॉल लगाया है, जिसमें लाल चावल, कंडाली का साग, तोर की दाल, मडुए की रोटी, आलू जखिया की सब्जी सहित चटनी, अरसे, रोटाने आदि लगाए गए हैं, जिन्हें पर्यटक खूब पसंद कर रहे हैं। मसूरी से अजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, इगास पर्व की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। हमने काफ़ी कुछ किया है गढ़वाली फूड को प्रमोशन करने के लिए, क्योंकि आजकल क्या हो गया कि कोई भी मतलब गढ़वाली फूड को जल्दी से प्रमोशन नहीं कर रहा है, काफ़ी पीछे जा रहा है हमारा। सब पंजाबी फूड को करते हैं, गुजराती करते हैं, राजस्थानी करते हैं, बट गुजरात पर गढ़वाली फूड को कोई प्रमोशन नहीं कर रहा है। तो हमने थोड़ा सा उसको प्रमोट किया है, तो हमने काफ़ी कुछ बनाया है, जैसे आप देख सकते हैं, आप ये देख सकते हैं, दाल बनाई है, कुलहत्ती दाल है। इसमें क्या होता है, ये किडनी स्टोन्स के लिए बहुत अच्छी होती है। पहले की क्या होता था कि आज की जो जनरेशन है वो बियर पीती है किडनी स्टोन्स के लिए, लेकिन पहले हमारे क्या होते थे, पहले के जो लोग होते थे वो उसका सूप बना के पीते थे, तो ये किडनी स्टोन्स के लिए काफ़ी अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी बेनिफिट्स होती है। नहीं, वैसे ये कंडाली का साग बनाया हुआ है हमने, इसे नेटल लीफ भी कहते हैं। तो नेटल लीफ क्या है, ये ब्लड प्रेशर और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और खासकर सर्दियों में तो ये काफ़ी अच्छा है। जो रास होती है वो काफ़ी गर्म होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है। सेम ऐसी हमने आलू जखिया, लोग जीरा आलू खाते हैं, बट गढ़वाल का एक इंग्रीडियंट होता है, लोकल इंग्रीडियंट, उसे जखिया कहते हैं। अगर तड़का हर किसी में डालेंगे तो काफ़ी क्रिस्पी बन देता है। तो हमने जैसे आलू जखिया बनाया है, सेम ऐसे लाल राइस बना हुआ है। लाल राइस क्या होता है कि शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। सेम ऐसी झंगोरे की खीर होती है, शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। नॉर्मल जैसे आप नॉर्मल राइस नहीं खा सकते हैं शुगर के पेशेंट लोग, लेकिन ये खा सकते हैं। सेम ऐसी मंडवे की रोटी है, मंडवे की रोटी आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है। फिर हमारे डेजर्ट्स होते हैं, जैसे आरसे और रोटाने। पहले क्या होता था, पहले गढ़वाल में जब शादी होती थी तो लड़की अगर अपने मायके से, जब मतलब ससुराल से मायके आती थी फिर अपने वापस जाती थी, तो उनको आज की डेट में तो लड्डू दे देते हैं, मिठाइयाँ दे देते हैं, लेकिन पहले क्या करते थे, आरसे और रोटाने बना के देन उनको दिया जाता था अपने ससुराल ले जाने के। तो हमने थोड़ा सा उसी को प्रमोशन किया और काफ़ी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, और देख भी रहे हैं कि काफ़ी अच्छा हमें वो भी मिल रहा है, रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, काफ़ी अच्छे गेस्ट आ रहे हैं आज। नाम नवीना है और मैं अपनी फैमिली के साथ हम लोग दिल्ली से आए हैं, और असल में हम लोग अपने डॉटर के एग्ज़ाम के लिए आए थे, और आज एकादशी का त्यौहार है और बाय चांस हम लोग को यहाँ का लोकल फूड ट्राई करने को मिल गया, तो हमने बहुत इंजॉय किया। अभी तक हमने दो चीज़ें ट्राई करी हैं यहाँ की, गुड़ की जलेबी और एक उड़द दाल का पकौड़ा, बहुत ही टेस्टी। थैंक यू। चैनल के माध्यम से मैसेज किसके लिए, मतलब लोगों के? इस तरह के जो छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, डेफिनेटली हमें हर एक स्टेट का, जैसे उत्तराखंड का कल्चर पता चलता है, वहाँ के खाने का, उनका रहन सहन जो भी है, तो काफ़ी टेस्टी था, और उन्हें ऐसे ऐसे और जो इवेंट्स हैं वो जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइज करना चाहिए। थैंक यू। चाहूँगी इगास पर्व के अवसर पर कि सबकी उत्तराखंड वासियों को बधाई। आज हमने इगास पर्व के बहुत सारी चीज़ें व्यंजन लगाए, थोड़ा सा हमने जैसे कबाब लगाए हैं, कंडाली के कबाब, जिसका बहुत ही बेनिफिट है कंडाली का, जैसे कि अगर आप इसको खाएंगे तो ये आर्थराइटिस, डायबिटीज़, जॉइंट पेन, इन सब के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर आपका कुलत की दाल का कबाब, कुलत की दाल आपकी उसके किडनी स्टोन के लिए बहुत अच्छी होती है। भांग के बीज की चटनी, बीज की चटनी पहले तो टॉक्सिक नहीं होती, नशा नहीं होता इससे, इससे इम्यून सिस्टम, डाइजेशन बहुत ही अच्छा होता है। फिर हमने लगाई है झंगोरे की खीर गुड़ के साथ, और आपको पता है झंगोरे का अपना ही एक वो है महत्व, वो टाइफाइड के टाइम पे खाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत लाभदायक होता है। फिर हमने लगाया छोली रोटी, छोली रोटी यहाँ पे आटे से बनती है और उसका एक अलग ही वो होता है अपना महत्व, और उसमें हरा हर मतलब राई और वो सब भी डाला गया है, तो जो उसमें ग्रीन वेजिटेबल्स है वो आ गए हैं। प्लस हमने टाको लगाए हैं
जो गढ़वाली टाको है उसको गढ़वाली टाको, जिसमें हमने राजमा की जगह वेजिटेबल भरा गया है और उसमें जखिया का तड़का लगाया गया है, भांग के बीज का तड़का लगाया, भंजीर का तड़का लगाया। फिर हमने बनाया है वॉफल, वॉफल के साथ हमने दी है वॉलनट अखरोट जो हमारे उत्तराखंड में बहुत अच्छे से होता है, और कंडाली का उसी की चटनी बनाई गई है, उसी को उस पर लगाया गया है और उसके ऊपर हमने थोड़ा सा चीज़ लगाया है। पर्यटक अच्छा लुफ्त उठा रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उन्हें मज़ा आ रहा है खाने में, उन्हें नई नई चीज़ें मिल रही हैं खाने को, वो पूछ भी रहे हैं कि ये क्या आज ही लगा है कि हमेशा लगा रहता है, तो हम उन्हें फिर बता रहे हैं कि बहुत ये आज लगा है और हमें आज ही लगे है। और बाकी अगर उन्हें लुफ्त उठाना है तो हमारा कैफ़े हमेशा खुला रहता है 365 डेज, और गढ़वाली थाली हमेशा परोसी जाती है वहाँ पर, कभी भी आए गढ़वाली खाने का आनंद उठा सकते हैं आप लोग।